Good morning, friends. Today our topic is behavior therapy. In previous class, our topic are individual therapy and group therapy. Now we are taking behavioral therapy. What is behavior therapy? Behavior को मॉडिफाई करना, बिहेवियर के अंदर साइकेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको मॉडिफाई करना और उनको रिमूव करना, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स. अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू इन सबको मॉडिफाई करना. बेसिकली आइडेंटिफाई माल अडेप्टिव बिहेवियर करेक्ट बाई अप्लाइंग थेरापूटिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करके बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक ऑफ बिहेवियर थेरेपी. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमिक डीसेंसिटाइजेशन इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ बिहेवियर थेरेपी. देन फ्लडिंग इज द नेक्स्ट थेरेपी ऑफ बिहेवियर थेरेपी. थर्ड वन इज कन्वर्जन थेरेपी. फोर्थ वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग अडेप्टिव बिहेवियर. फिफ्थ वन ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर. सिक्स्थ वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर डिक्रीजिंग माल अडेप्टिव बिहेवियर. सेवन्थ इज असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग. इन डिफरेंट काइंड की टेक्निक्स के थ्रू जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है. जो सिम्टम्स है, एकेडिक सिम्टम्स है और अदर काइंड ऑफ सिम्टम्स है लाइक ड्रग अब्यूज, लाइक उन सारे माराडप्टिव बिहेवियर्स को रिमूव किया जाता है बाई दी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द सिस्टमिक डीसेंसिटाइजेशन. सिस्टमिक डीसेंसिटाइजेशन जिसका सिंपल मीनिंग है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है पेशेंट को. पेशेंट को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें उसको रिलैक्सेशन गाइड किया जाता है बाय द थेरापिस्ट. लाइक उसको सिखाया जाता है हिप्नोसिस के थ्रू किया जाता है, देन मेडिटेशन और योगा और डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज के थ्रू उसको रिलैक्सेशन गाइड किया जाता है. जब वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसको आ जाती है, देन उसको जो पेनफुल स्टिमुलस होता है वो उनके कॉन्टैक्ट में कन्फ्रंट किया जाता है, उनके कॉन्टैक्ट में उसको लाया जाता है. देन कॉन्टैक्ट में लाए जाने के बाद में जब उसके अंदर सिम्टम्स अपीयर होते हैं, एंजाइटिक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जब एक पर्सन स्टिमुलस के कॉन्टैक्ट करता है तब उसके अंदर कई तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उस वक्त भी उसको रिलैक्स गाइड किया जाता है बाय द थेरेपिस्ट. इस टेक्निक के अंदर तीन पॉइंट है बेसिकली जिनको फॉलो किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, देन सेकंड वन इज हायरार्की कंस्ट्रक्शन, थर्ड वन इज डीसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस. फर्स्ट वन इज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. ये जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के अंदर डिफरेंट काइंड की उसको जैसे फॉर एग्जांपल मसल रिलैक्सेशन उसको बताया जाता है, हिप्नोसिस उसको सिखाया जाता है, देन मेडिटेशन एंड योगा सिखाया जाता है, देन मेंटल इमेजिनरी एंड बायो फीडबैक के बारे में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है ताकि वो स्टिमुलस मिलने के टाइम रिलैक्स रहे, इतना एंजाइटी है वो इतनी ज़्यादा प्रोवोक ना हो. देन हायरार्की कंस्ट्रक्शन, हायरार्की कंस्ट्रक्शन मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी पेशेंट को जिन जिन चीजों से एंजाइटी होती है उन सबको लिस्ट डाउन करना,
1, 2, 3, 4 जिन जिन चीजों से उसको एंजाइटी होती है सबको लिस्ट आउट कर लेना। अब क्या करना, सेकंड स्टेप के अंदर होता है डीसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। इस डीसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस के अंदर जो पर्सन है उसके साथ रियलिटी और इमेजिनरी के अंदर वो सारी कंडीशंस जिनके अंदर पेशेंट, जिनके द्वारा पेशेंट के अंदर एंजाइटी प्रोवोक होती है, वो सब उसके सामने रखना, या तो इमेजिनरी या रियलिटी के रूप में। उस वक्त उसको गाइड भी करना रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू, और इस टेक्निक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली इसी टेक्निक को बोलते हैं सिस्टमिक डीसेंसिटाइजेशन। सेकंड टेक्निक इज फ्लडिंग। फ्लडिंग का सिंपल सा मीनिंग है कोई भी पेनफुल स्टिमुलस है उसके कांटेक्ट में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए रखना, और वहाँ से एस्केप मतलब निकलने की संभावना बिल्कुल कम कर देना। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसको फोबिया है पानी से, हाइड्रोफोबिया, तो पानी में जाने से वो डरता है। अपन क्या करेंगे, एक स्विमिंग पूल के अंदर जिसके अंदर वो डूबेगा नहीं, पानी अगर आता हो घुटनों तक उसके अंदर उसको डाल देंगे और बाहर एक बार नहीं निकलने देंगे। तो इसी को बोलते हैं फ्लडिंग, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए उस पेनफुल स्टिमुलस के कांटेक्ट में रखेंगे, तो कांटेक्ट में रखने से उसके अंदर धीरे धीरे जो एंजाइटी है वो कांटेक्ट में आने के कारण धीरे धीरे एंजाइटी कम होती चली जाएगी। तो इसको, इस टेक्निक को बोलते हैं फ्लडिंग। देन थर्ड वन इज एवर्जन थेरेपी। व्हाट इज एवर्जन थेरेपी? एवर्जन थेरेपी मीन्स प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ अनप्लीजेंट रेस्पॉन्स का आना। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस रेस्पॉन्स अनप्लीजेंट। जो प्लीजेंट स्टिमुलस होता है, इसको एक एग्जांपल के रूप में अगर समझाए तो जो अल्कोहल पीना है, जो अल्कोहलिक होते हैं वो, उनके लिए अल्कोहल है वो एक प्लीजेंट स्टिमुलस है। अगर अल्कोहलिक को अल्कोहल मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके लिए वो एक प्लीजेंट स्टिमुलस है। अगर उसी अल्कोहल के अंदर एक ड्रग आती है जिसको बोलते हैं डाइसल्फिरान मेडिसिन अगर अल्कोहल के अंदर मिक्स कर देते हैं तो पेशेंट के अल्कोहल लेने के बाद में उसके अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट रेट इंक्रीज होना, हाइपरटेंशन, जी घबराना, ये सारी मसल ट्विस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज, वर्टिगो, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर टेकिंग द एल्कोहल। तो एल्कोहल के साथ में उसके अंदर ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो एल्कोहल तो उसके लिए एक प्लीजेंट स्टिमुलस था, पर जो एल्कोहल का जो रेस्पॉन्स हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट हुआ। तो इसी थेरेपी को बोलते हैं एवर्जन थेरेपी, और जो एल्कोहल छुड़ाने के लिए जो थेरेपी अपन काम में लेते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं डाइसल्फिरान थेरेपी। ये थेरेपी इसी एवर्जन थेरेपी के अंतर्गत आती है। तो समझ में आ गया आपको, पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट स्टिमुलस विद रेस्पॉन्स ऑफ अनप्लीजेंट रेस्पॉन्स। तीन टेक्निक्स हो गई अपनी सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके अंदर रिलैक्सेशन गाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हायरार्की कंस्ट्रक्शन करते हैं, देन सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस किया जाता है, उसके बाद फ्लडिंग, देन एमर्जन थेरेपी। फोर्थ वन अपन लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग अडप्टिव बिहेवियर। इसके अंदर बेसिकली दो चीजें अपन देखते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड वन इज टोकन इकोनॉमी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट
एंड सेकेंड वन इज लोकल इकोनॉमी. अब ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसके अंदर डिजायरेबल बिहेवियर के लिए जो पेशेंट है उसको रिवार्ड किया जाता है, उसको रिवार्ड दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसको पुरस्कृत किया जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसको दी जाती है, लाइक कुछ भी चीज़ उसको रिवार्ड करना, पुरस्कार के रूप में उसको देना. अगर वो एक डिजायर्ड काम करता है, डिजायर्ड बिहेवियर शो करता है पेशेंट, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. देन सेकेंड इज टोकन इकोनॉमी. अगर पेशेंट के द्वारा डिजायर्ड बिहेवियर शो किया जाता है तो उसको टोकन के रूप में भी रिवार्ड दिया जाता है, और वो टोकन कलेक्ट करके कुछ भी लग्जरी आइटम या कुछ भी है वो परचेज कर सकता है. तो इसी को बोलते हैं टोकन इकोनॉमी. ये बोथ जो पार्ट्स हैं इसके पार्ट हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग एडेप्टिव बिहेवियर. एडेप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए वन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, देन टोकन इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर. टू टीच न्यू बिहेवियर इसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स काम लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडलिंग, देन शेपिंग, देन चेंजिंग. मॉडलिंग, शेपिंग, थर्ड वन इज चेनिंग. ये तीन टेक्निक काम में ली जाती है इन दिस पार्ट. ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर. न्यू बिहेवियर को टीच करने के लिए मॉडलिंग, शेपिंग, देन चेंजिंग. तो मॉडलिंग के अंदर बेसिकली टीचिंग बाय डेमोंस्ट्रेशन. डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू पेशेंट्स को सिखाया जाता है कि आपको इस तरह का बिहेवियर है तो शो करना चाहिए, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको फॉलो करने चाहिए. तो ये मॉडलिंग के अंदर सिखाया जाता है. देन सेकेंड शेपिंग. शेपिंग के अंदर बेसिकली सिखाया जाता है बिहेवियर को शेप करना. लाइक एक पेशेंट है वो कभी आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करता है किसी से, थेरापिस्ट से या अपने रिलेटिव से या अपने जो फैमिली मेम्बर है उनसे कभी भी, या फ्रेंड है उनके साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट कभी नहीं करता है. उसके अंदर सेल्फ इस्टीम है और कई सारे साइकेटिक सिम्टम्स होते हैं, कई सारे बिहेवियरल सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनके कारण वो आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल थेरापिस्ट है अपोजिट बैठता है पेशेंट के, और हालांकि जो आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करेगा तो अपर बॉडी को अपने बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो उसको होल्ड करके जो उसका गर्दन है उसका हेड है और हेड पार्ट को भी होल्ड करके काफ़ी टाइम तक आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाया जाता है बाई द थेरापिस्ट. सो इस टेक्निक के थ्रू शेपिंग की जाती है, आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाने की पेशेंट के अंदर इंड्यूस किया जाता है. तो ये सेकेंड टेक्निक होती है. थर्ड टेक्निक के अंदर चेनिंग. चेनिंग का मतलब सिंपल है, इसके अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है पेशेंट से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है वो अपने को करवाना है तो डायरेक्ट जो पेशेंट है वो कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकता, तो कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और बैकवर्ड जो टास्क है स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करके उनको पेशेंट को दिया जाता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है पेशेंट के अंदर बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए. तो ये तीन टेक्निक्स होती हैं, इसी के अंदर न्यू टीचिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर मॉडलिंग, शेपिंग, थर्ड वन इज चेनिंग. सो अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट दी ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर डिक्रीजिंग माल अडेप्टिव बिहेवियर. माल अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में अपन बात करते हैं. सबसे पहले माल अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर बात आती है सबसे पहले एक्सटेंशन या इग्नोरिंग.
फर्स्ट टेक्निक एक्सटेंशन या इग्नोरिंग, इग्नोरिंग आप समझ सकते हैं, इग्नोरिंग टाइम आउट then punishment. ये तीन पार्ट है ऑपरेंट कंडीशन प्रोसीजर फॉर डिग्रीज माल एडिक्टिव बिहेवियर के. फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोरिंग, देन सेकंड टाइम आउट, देन पनिशमेंट. इग्नोरिंग के अंदर अगर पेशेंट डिजायर्ड बिहेवियर्स को नहीं कर रहा तो भाई द थेरेपिस्ट उसको इग्नोर किया जाता है, उससे बात वगैरह नहीं की जाती, उसको कोऑपरेट नहीं किया जाता जिससे वो समझ सके कि मैंने डिजायर्ड बिहेवियर्स को नहीं किया, जो ऑड बिहेवियर मैंने शो किया है इसी के कारण मुझको इग्नोर किया जा रहा है. फर्स्ट टेक्निक ये होती है. देन सेकंड टेक्निक इज टाइम आउट. टाइम आउट लाइक इसके अंदर क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप समझे एक बच्चा है जिसको कोई काम करने के लिए बोला, मतलब एक वर्क दिया उसको, होमवर्क दिया स्कूल के द्वारा, तो घर में बच्चे को बोला गया कि आपको ये काम करना है, उसके बाद में आप प्ले ग्राउंड में खेलने जा सकते हो, तो बच्चे ने वो काम नहीं किया तो उसके अंदर अपन कर सकते हैं तो बच्चे को आज खेल में बाहर नहीं भेजा जाएगा. तो इसी को बोलते हैं टाइम आउट. जैसे पेशेंट है उसके साथ भी ये अपन चीज फॉलो कर सकते हैं. तो अगर गिवन टाइम के अंदर कोई टास्क कंप्लीट नहीं करता है वो, तो उसको नेक्स्ट जो कोई भी काम है उसका डिजायर्ड जो काम है उसके लिए टाइम आउट कर दिया जाता है, वो उसको नहीं दिया जाता. थर्ड वन इज पनिशमेंट. कोई भी ऑड बिहेवियर करने के बाद में उसको पनिशमेंट किया जाता है वर्बली, या उसको कोई जैसे ऑब्जेक्ट है तो अच्छा लगता है उसको नहीं दिया जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ पनिशमेंट. देन वी आर गोइंग नेक्स्ट रेस्टिट्यूशन. असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग. वी आर टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग. असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली देखते हैं चेंज इन इमोशनल एंड अदर बिहेवियरल बाय बीइंग असर्टिव. व्हाट इज असर्टिव? असर्टिव वर्ड्स का क्या मीनिंग है? इसका अर्थ है किसी भी बात को अब स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ तथा दृढ़ता के साथ, फर्मनेस के साथ कहा जाना, बोलना और उसको अप्लाई करवाना. तो बीइंग ए असर्टिव और असर्टिवनेस के थ्रू कोई भी जो पेशेंट की बिहेवियर है उसको, इमोशनल बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना है बाय असर्टिवनेस, मतलब दृढ़ता के साथ, स्पष्टता के साथ उसको उस चीज को, उस तर्क को अप्लाई करवाना. दिस टेक्निक नोन एज असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग. सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द बिहेवियर थेरेपी. सो वी आर समराइज फर्स्ट ऑफ ऑल द बिहेवियर थेरेपी के बारे में अपन ने देखा, जो बेसिकली जो माल एडप्टिव बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना, दिस इज नॉन एज बिहेवियर थेरेपी. उसकी डिफरेंट थेरेपीज आती है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, उसके बाद में फ्लडिंग, उसके बाद में एमर्जन थेरेपी, देन उसके बाद आता है ये अडप्टिव बिहेवियर, अडप्टिव बिहेवियर कंडीशनिंग प्रोसीजर और इनक्रीज अडप्टिव बिहेवियर. ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर डिक्रीज माल एडप्टिव बिहेवियर, देन असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग. सो अपना टॉपिक बिहेवियर थेरेपी यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट थेरेपी अपन लेके आएंगे. सो थैंक यू वेरी मच.